पता नहीं इस महल के साथ हमारा क्या पुराना रिश्ता है। यहाँ आते ही ऐसा लगता है जैसे परसों के पुराने जख्म फिर से हरे हो गए हो। तो कुछ नहीं होगा, चलिए अंदर चलते हैं। चलिए मेहमानों का अच्छे से ख्याल रखें। जी चीफ्स, वैसे तुम नाटक बहुत अच्छा कर लेते हो। यू नो व्हाट, इतना अच्छा भी नहीं करते कि हम बेवकूफ बन जाए। यू नो व्हाट लवी, भेड़ की खाल ओढ़ने से शेर भेड़ नहीं हो जाते। जीव्स, हम जानते हैं कि तुम हमसे नाराज हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि हमने तुम्हारी और रानी की शादी रोकने में डवी की मदद की, लेकिन हमारा यकीन करो, जितनी तकलीफ तुम्हें हो रही है ना राजा रानी की शादी से, उतना ही दर्द हमें भी हो रहा है। और इसीलिए हमने फैसला किया है, हम राजा और रानी की शादी किसी कीमत पे भी नहीं होने देंगे। उसने हमसे हमारे राजा को चुराया है ना, हम उसे हर कदम पे सजा देंगे, इतनी तकलीफ देंगे कि वो खुद राजा को छोड़ के चली जाएगी। पूछना हम पहले भी चाह रहे थे लेकिन मौका नहीं मिला। आपके इस हाथ को हुआ क्या? एक हादसा था। बहुत कष्ट होता होगा इस उम्र में एक हाथ से काम करना। अब तो पोते की शादी हो रही है, इसके बाद तो आप तीर्थ यात्रा पर ही जाएंगे। वैसे भी इस उम्र में मोह माया में मन कहाँ लगता होगा, है ना? हम तो कहते हैं कि आप कसौली चले जाएं, वहां के पहाड़ों में भगवान से लौ लगाएं, बहुत शांति मिलेगी। Thank you.
के रास्ते जो कितने अलग थे यूं मिल जाएंगे। ये इश्क तो एक इबादत है जहाँ सब खोके सब पाते हैं। ये इश्क भले पुराना हो ये सब कहते ही रह जाते हैं। प्यार का पहला इश्क का दूजा और मोहब्बत का तीसरा। ये इश्क तो एक इबादत है। ये इश्क तो एक इबादत है। क्या हुआ, जलन हो रही? जलन हमें नहीं, जलन तो अब किसी और को होगी। राजा, हमारे हाथ हमारे हाथ बहुत जल रहे हैं। राजा पानी लाओ, दादू जल्दी से। अच्छी तरह भिगा। हुआ क्या है बेटा? हमें नहीं पता, मेहंदी लगाते ही हमारे हाथों में जलन होने लग गई। अरे पर मेहंदी तो सबने लगाई थी, तुम ही सबसे ज्यादा नाजुक निकली। बाकी सबको तो कुछ नहीं हुआ, और वैसे भी रजवाड़ों के घराने में मेहंदी के रचने से पहले उसका यूं धुल जाना ये तो बहुत बड़ा अपशगुन होता है। हुआ रानी माँ, रानी ने कोई जानबूझकर मेहंदी नहीं धोई है। ऐसा भी तो हो सकता है कि उसे इस मेहंदी से एलर्जी हो। और आप ये बार बार ये रजवाड़ों की दुहाई देना बंद कीजिए। 20 बरस हो गए इस देश को आजाद हुए, लेकिन आप पता नहीं किस जमाने में रह रही हैं। बड़ी रानी मैं, ये राजा बेटा आज शुभ दिन है। आज गुस्सा नहीं करते, चलिए नाश्ता लग चुका है। रुकिए, आपको हमें जवाब देना होगा। इसलिए गायत्री के लिए आपने गायत्री के साथ ऐसा क्यों किया? हमने कुछ नहीं किया। झूठ, वो लड़की वहां दर्द से तड़प रही थी और आप खड़े खड़े तमाशा देख रही थी। जो कुछ हमें प्यारा था वो सब तो छीन लिया। तुम्हें हमारी हर चीज लौटानी होगी। तुम्हारे और हमारे परिवार में बहुत फर्क है। मेरे सब घर वाले इस शादी से राजी हैं, फिर भी तुम ऐसी बातें कर रही हो। क्या वजह हो सकती है? रातों रात सब बदल गए।